क्या आप एक YouTube क्रिएटर हो और आप भी YouTube पर काम करते हो और वीडियोज बनाते हो और आपका YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होने वाला है या शॉर्ट वीडियो में आपका 10 मिलियन व्यू पूरा होने वाला है और आप भी अपने YouTube चैनल को मोनिटाइज में भेजने वाले हैं, तो आपका YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा क्योंकि YouTube में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिगेस्ट अपडेट आ चुका है जिसके कारण से आपका YouTube चैनल छांट दिया जाएगा। तो आज का वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि वो कौन सा प्रॉब्लम है और आपका YouTube चैनल मोनिटाइज क्यों नहीं होगा और उसे आप अपने YouTube चैनल पर अप्लाई करके आप अपने YouTube चैनल को सुधार सकते हैं। क्योंकि जैसा ही मेरे को न्यूज पता चला, मैं फौरन जाके अपने यूट्यूब चैनल में ये सेटिंग को ऑन किया और इस जो अपडेट है इसको अपने यूट्यूब चैनल पर अप्लाई किया। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जिनका चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम पूरा हो चुका है, जो अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज में भेजने वाले हैं, तो ये वीडियो जरूर देख ले और ये गलतियां ना करें। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि पहले पांच ही नियम थे, क्या था। सबसे पहले मैं आप लोग को यहां पर स्क्रीन पे लगा करके दिखा भी सकता हूं, YouTube हेल्प मैंने सेंटर खोल रखा है। यहां पर एक पहला ऑप्शन आता है मेन थीम, ये क्या है। तो ये तो पहले से था, जो लास्ट में मैं आप लोग को बताने वाला वो न्यू आया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, बहुत सारे बंदे लोग को पता नहीं है। तो जो था मेन थीम, यानी कि जो आपका नीस क्या है, कैटेगरी क्या है और आप किस तरह का वीडियोज बना रहे हो। तो इसमें होता क्या कि जैसे मेरे यूट्यूब चैनल को खोल के आप देखेंगे तो उसमें एक लाइन बाय लाइन दिखेगा कि मैं यूट्यूब से रिलेटिव, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटिव मैं वीडियोज बनाता हूँ, तो वैसे आपका जो वीडियो है आना चाहिए। नहीं तो क्या होता क्या है कि आप एक ब्लॉग पर वीडियो डाल दिए, एक कॉमेडी का वीडियो डाल दिए, एक ट्रेवल ब्लॉग का वीडियो डाल दिए, एक एजुकेशन का वीडियो डाल दिए, एक अनबॉक्सिंग का वीडियो डाल दिए, तो वैसे आपको नहीं करना है। आपका जो वीडियो का है एक कैटेगरी, एक नीश और एक लेवल में रखना है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है मोस्ट व्यू। तो आप अपने YouTube चैनल को जब मोनिटाइज में भेजेंगे तो YouTube चैनल मोस्ट व्यू चेक करता है, यानी कि जो आपका वीडियो है, यानी कि कौन सा ऐसा वीडियो है जिस पे आपका ज्यादा व्यू आया हुआ है। तो आप नोटिस करें कि जो आपका वीडियो है जिस पे ज्यादा व्यू आया है उसको आप अच्छे से रिव्यू कर ले खुद से मोनेटाइज में भेजने से पहले कि उसमें मैं गलत तरह से व्यू लाया हूं अथवा नहीं लाया हूं, तो आपको ये नोटिस करना है। उसके बाद आता है न्यू वीडियो। तो न्यू वीडियो में आपको क्या करना है कि जो आप अभी लेटेस्ट में वीडियो अपलोड किए हो हाल में, उसे भी अभी यूट्यूब चेक करने लगा है कि आप न्यू वीडियो में कौन सा वीडियो अपलोड किए हो, यानी कि जो आपका ये वीडियो है वो यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ तो नहीं है, यूट्यूब गाइडलाइन को उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, पॉलिसी का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद आता है वॉच टाइम। तो यानी कि जो आपका वीडियो से 4000 घंटा का वॉच टाइम पूरा हुआ है या आपका जितना भी वीडियो है उसमें से सबसे ज्यादा जिसमें वॉच टाइम आया है वो वॉच टाइम कहाँ से आया है, आप कहीं से शेयर करके तो वॉच टाइम नहीं लाए हैं या कोई ऐप से तो नहीं लाए हैं या कहीं से आप गलत तरह से तो वॉच टाइम नहीं लाए हैं। उसके बाद आता है हमारा बिगेस्ट मेटा डेटा प्लस डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग। तो बहुत सारे बंदे लोग जो टाइटल में होता है, डिस्क्रिप्शन में होता है, अंडसंड गलत चीज भर देते हैं। यानी कि गलत चीज क्या कि आप 15 से ज्यादा हैशटैग नहीं डाल सकते हो, आप 15 से ज्यादा किसी को आईडी का मेंशन नहीं कर सकते हो, इस तरह का आप लिख नहीं सकते, ये मेटा डेटा आपका मिसलीडिंग डेटा हो गया है, तो ये आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है चैनल अबाउट सेक्शन, यही आया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल अबाउट सेक्शन, तो जैसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो आपको मेरे फोटो के नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इस तरह का एरर का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप अपने जो YouTube चैनल का अबाउट है वहां पर चल जाते हैं। तो वहां पर आपको कुछ लिखना है अपने YouTube चैनल के बारे में, यानी कि पहले तो ऐसा मोनेटाइज हो जाता था लेकिन जब से ये अपडेट आया है वब से ये आपका अबाउट चेक करेगा, अबाउट सेक्शन की, अबाउट सेक्शन में आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में लिखे हैं अथवा नहीं लिखे हैं, तो आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में लिखा हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैं इस पे यूट्यूब टिप्स से रिलेटिव और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो आप अपने अबाउट सेक्शन में ये जरूर लिखे रहते हैं, आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होने वाला है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हो, नॉलेज मिला हो तो वीडियो को कर लाइक और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट वीडियो के साथ।